हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप लोगों ने मेरा वेडिंग व्लॉग तो ऑफकोर्स एंजॉय करा ही होगा। सो अब आई एम बैक विथ अ बैंग एंड नाउ इट्स गोना बी अ ट्रैवल व्लॉग। तो मैं और विक्रम जा रहे हैं जयपुर एंड या हम लोग व्लॉग करने वाले अपना पूरा ट्रिप और विक्रम का बर्थडे भी है इसमें। सो या देखते हैं हमने क्या क्या किया इस व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं होटल हाईवे किंग में, विच इज़ वेरी 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 फेमस। आप लोग जयपुर जा रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे ज़रूर एक हॉल्ट ले फॉर ब्रेकफास्ट या मेन कोर्स व्हाट्सोएवर, बट हाँ पराठे ज़रूर ट्राई करना, बहुत 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 फेमस है। विंटर में सरसों का साग इज़ वेल। सो हमने पराठा ऑर्डर किया था, आलू का पराठा, और विक्रम ने ऑर्डर करा था गोभी का पराठा, एज यू कैन सी वाइट मक्खन। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या मतलब था इतना दब करके डालने का? ये है आलू पराठा और अभी हमने गोभी पराठा भी ऑर्डर करा है तो वो आने वाला है। भूख लग रही है। सो पराठा हमें ओके ओके लगा, इट वॉज नॉट दैट ग्रेट। मतलब मुझे अच्छा लगा मेरा आलू पराठा, बट विक्रम डिड नॉट लाइक। गोभी पराठा मंगवाया था उसने। सो यहाँ पे इट्स अ गुड आउटलेट टू हैव फूड और बहुत फेमस भी है, तो हमने यहाँ पे ट्राई किया। अभी बहुत चेंजेस आ गया, मैं यहाँ बहुत बार आई हूँ पहले भी, बट बहुत चेंजेस आ गया। थोड़ा सा फूड क्वालिटी मुझे डाउन लगा पहले के कंपैरिजन में, बट चाय वाज रियली गुड। एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे किड्स एरिया है एंड यू नो फैमिली टाइम लोग इन्जॉय कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे रैबिट्स भी रखे हुए हैं, सो किड्स कैन हैव अ लॉट ऑफ फन हियर। ऑन द वे टू जयपुर ऑब्वियसली वंस यू कैन स्टॉप हियर फॉर टी, ब्रेकफास्ट भी अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर, सो यू माइट वांट टू गिव इट अ ट्राई। मैं आपको रैबिट सिखाती हूँ। वाओ, नहीं वापस भी जा सकते हैं इफ यू विश तो। नहीं यहाँ तक आने में बहुत मेहनत की थी। हाँ, वी वर स्टक इन द जैम फॉर लाइक 40 मिनट्स और बहुत बारिश हो रही थी, बहुत 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 बहुत। आई होप मौसम जयपुर में अच्छा हो एंड वी कैन हैव अ गुड ट्रिप ऑफ 2-3 डेज। चलो वापस चलते हैं। बट मुझे गाड़ी चलानी है। जयपुर में नहीं चलाना, बहुत कंजेस्टेड रोड्स है। नहीं ना दे दो यार। फाइनली वी आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ सनशाइन। ये मुझे गाड़ी नहीं चलाने दे रहा पापा। सो फाइनली अब हम जयपुर पहुंच गए हैं। एज यू कैन सी पिंक ऑल ओवर। वेलकम टू द पिंक सिटी। और ये बहुत पुराने दिनों का है, सो इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। इग्नोर द एडवर्टीजमेंट ओवर द टॉप, बट आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और हमारे राइट साइड में अभी आ रहा है हवा महल, विच इज़ वेरी फेमस, और हम हवा महल आगे विजिट भी करेंगे तो तब और ज़्यादा अच्छे से दिखाएंगे। सो महल खंडेला इज़ वेयर वी स्टेड फॉर दीज 3 डेज। और आप देख सकते हो मुझे बेसिकली एक महल वाला फीलिंग चाहिए था, जिस वजह से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी चूज़ करा है। और यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ डिज़ाइन फ्रॉम आउटसाइड। अब ये मेरी गाड़ी है। सो अब हम अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारा स्टे इस हवेली में कैसा होने वाला है, हाउ इज़ इट डेकोर वाइज। और सर्विस के बारे में तो ऑफकोर्स बाद में मैं बोलूँगी ही। ओह, स्विमिंग पूल भी है,
सो मज़ा आएगा। दो अभी विंटर्स है, स्विमिंग पूल की कोई नीड नहीं है, बट मज़े तो ले ही सकते हैं थोड़ा बहुत। और बारिश हो रही है, एज यू कैन सी थोड़ा थोड़ा चिप चिप बरसा पानी। सो नाउ लेट्स जस्ट गो इनसाइड और देखते हैं होटल कैसा है। सबने देखा कि ये महल हवेली कितना ज़्यादा खूबसूरत है एंड आई जस्ट कुडंट वेट और अपने थोड़े बहुत ऐसे ड्रामे वाले शॉट्स मैंने ले लिए जस्ट टू फील मोर हैप्पी। और अब हम शाम को कहीं जाने वाले हैं, बट हम कहाँ जाने वाले हैं ये पता करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा व्लॉग नंबर 2 के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, लवली सनसेट, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।